बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। आप देख रहे हैं एबीसी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस, मैं सीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। आज दिनांक को 11 जून 2021 दिन शुक्रवार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों को बार बार बढ़ाया जा रहा है। देश में व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी सरकार दिन प्रतिदिन जनमानस पर आर्थिक बोझ लाद कर निरंतर कमजोर कर रही है, जिससे आप आम जनता भयभीत हैं एवं जीवन यापन के लिए चिंतित हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों से आम जनमानस परेशान है, चाहे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में लगने वाला किराया हो या फिर मालवाहक का भाड़ा, जिससे जनमानस को आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है। उसी प्रकार रसोई गैस के बढ़ते दामों से महिलाएं चिंतित व आक्रोशित हैं। गैस के बढ़ते दामों से आम जनमानस की पारिवारिक स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है। उक्त दामों को यथाशीघ्र ही कम किया जाना चाहिए। महंगाई के दौर में सहयोग गुणात्मक कार्य होगा, थाना प्रभारी संजीव त्रिपाठी जी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सिम्मीलाल परतेती, कार्यवाहक अध्यक्ष विजय सूर्यवंशी, क्षेत्र नगर अध्यक्ष मनीराम साहू, आदिवासी प्रकोष्ठ अध्यक्ष कालूराम धुर्वे, क्षेत्रीय अध्यक्ष मुकेश उइके, क्षेत्रीय अध्यक्ष मनोहर यदुवंशी, एनएसयूआई अध्यक्ष लेखराज यदुवंशी, क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद एवं सुरेश यदुवंशी उपस्थित रहे। कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। एमपीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए नवेगांव से मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। ये किस संबंध में ज्ञापन दिए हैं? ये पेट्रोल डीजल किसानों का अनाज खरीदी बढ़ रहा, पेट्रोल कितना हो रहा है, इसके खिलाफ आज खिलाफ हम लोग थाना नवेगांव में ज्ञापन। क्या नाम? लाल पटेल, जिला कलेक्टर।